नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे एपिसोड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको ध्यान से समझा होगा, क्योंकि उन एपिसोड को समझने के बाद ही हम एपिसोड 5 को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। और यदि आपने नहीं देख पाए हैं तो मैं एक मिनट में उनके बारे में आपको बताता हूँ कि पहले एपिसोड्स में हम लोगों ने रखा है कि अंग्रेजी भाषा एक बहुमंजिला इमारत की तरह है। जैसे कि हम एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण करते हैं और निर्माण करने से पहले भवन निर्माण की सभी सामग्रियों को एकत्र करना, सही स्थान पर उन्हें रखना और कुशल कारीगर के साथ भवन का निर्माण करना, ये सब जरूरी है। वहाँ से आगे हम एपिसोड 5 में बात करते हैं कि ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा भी एक बहुमंजिला इमारत की तरह होती है, जिसके निर्माण के लिए हमें इस भाषा में प्रयोग किए जाने वाली छोटी से छोटी इकाई को पहले समझना, जानना होता है, तब जाकर हम इस भाषा को समझ सकते हैं। दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा एक बहुमंजिला इमारत की तरह है, एक भवन की तरह है। जैसे कि मजबूत भवन के लिए सबसे पहले भवन की डिज़ाइन, उसका नक्शा, भवन निर्माण की विधि, उसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीकी, भवन निर्माण विशेषज्ञों का होना, मजबूत ईंटें, स्तंभों का होना, मजबूत इमारत में बीम का होना और छत ढकने के लिए मजबूत लेंटर व इन सब में लगने वाला जो मटेरियल है उसका होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे रोड़ी है, बदरपुर है, बालू है, सरिया है और भी इसी प्रकार की बहुत सी सामग्री हमें भवन निर्माण से पहले जुटानी होती है। और साथ ही साथ उस सामान को, उस सामग्री को जो हमने एकत्र किया है, उसे सही व सफलतापूर्वक भवन में लगाने के लिए हमें एक कुशल कारीगर की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमने सामान एकत्र कर लिया और बस बन गया हमारा एक बहुमंजिला मकान, हमारी इमारत तैयार हो गई, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। उसको लगाने के लिए एक कुशल और अनुभवी कारीगर की भी आवश्यकता होती है। जब भवन निर्माण का सभी सामान व साधन और कुशल कारीगर एक साथ भवन निर्माण में सहयोग करते हैं, तब हम एक मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद भवन का निर्माण कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, और कैरियर में सफलता के लिए अंग्रेजी से परेशान मेरे साथियों, ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना व सीखना चाहते हैं तो हमें भवन निर्माण सामग्री की तरह भाषा निर्माण सामग्री को एकत्र करना होगा। उसके बिना हम किसी भी भाषा को पढ़, लिख या समझ नहीं सकते हैं। यदि हम अंग्रेजी भाषा निर्माण की बात करते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा के इन सामान्य बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना व समझना होगा। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो हमें एक स्केच बना लेना है, एक विषय सूची बना लेनी है कि हमें कहां से अपनी अंग्रेजी के अध्ययन को शुरू करना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ते हुए हमें अध्ययन की पूर्णता तक पहुंचना है। बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल पर अध्ययन करते हुए अपने साथ पेंसिल लेकर बैठें, अपनी कॉपी लेकर बैठें, आप वीडियो को देखते जाएं, समझते जाएं और विशेष बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से अपनी एक कॉपी पर लिखते जाएं। बाद में उसे समझते हुए डायरी नोट करें, अपनी फाइल बनाएं और नित्य प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास किए
आप इस भाषा को नहीं सीख सकते हैं, चाहे ये भाषा सिखाने का मैं प्रयास करूं, विद्यालय में आपके अध्यापक या फिर टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा मेरी ही तरह और अध्यापक आपको पढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन आप सिर्फ उसे एक मनोरंजन की तरह देखोगे और देखने के बाद जब मन नहीं लगेगा तो वीडियो को चेंज कर दोगे और वह वीडियो देखोगे जो आपको मेंटली हैप्पी करती है या फिर जो आपको अच्छा लगता है, और बस यह टाइम पास करने का एक जरिया बन जाएगा दोस्तों। तो आप अपनी कलम निकाल लें, कॉपी निकाल लें, और यदि पहले से निकाल कर बैठे हैं तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट फॉर इट। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, तो ऊपर लिख लीजिएगा जहां आपकी कॉपी पर टॉपिक डालने के लिए, चैप्टर डालने के लिए जो कॉलम दे रखा होता है, जिसे हम कॉलम बॉक्स भी कहते हैं, टाइटल बॉक्स भी कहते हैं, वहां पर लिख लीजिएगा कंटेंट, सूची लिख लीजिएगा, कंटेंट यानी कि सूची, हम कब क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कंटेंट क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं बेटा। जैसे किसी किताब के प्रारंभ में आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, प्रारंभ में लिखा होता है जिससे हमें पता चल सके कि इस किताब में अंदर किस पेज पर क्या दे रखा है, ठीक उसी प्रकार हमें यह भी पता चल सके कि इस चैनल पर हम आगे क्रमबद्ध तरीके से क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आप अपनी कॉपी पर सबसे ऊपर कंटेंट डाल लीजिएगा, सूची डाल लीजिएगा और क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है, हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा लैंग्वेज। हाँ बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा लैंग्वेज। हम सबसे पहले भाषा के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उस भाषा को सीखने के लिए जो विधि इस्तेमाल की जाती है वो विधि एक व्याकरण के रूप में होती है। तो दूसरा हमारा चैप्टर होगा ग्रामर यानी कि व्याकरण। उसके बाद हम ग्रामर के छोटे छोटे से जो फंक्शंस हैं, छोटे छोटे से जो फैक्टर्स हैं, उनको खोलते हैं और उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा लेटर, जो किसी भी भाषा की आधारशिला होती है। और नंबर 4 पर हम अपनी अल्फ़ाबेट पर चलेंगे। चौथा चैप्टर हमारा होगा, फोर्थ चैप्टर हमारा होगा अल्फ़ाबेट, जिसे हमें हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाइयों का समूह होता है बेटा। इसे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जैसे इसे हम जो है ओपन अप करेंगे। और इसके बाद जब हम अक्षरों को एक दूसरे के साथ मिलाना शुरू करते हैं तो शब्द बनता है। तो नया चैप्टर हमारा होगा शब्द। इसके अंदर हम शब्द के सभी स्वरूपों का अध्ययन करेंगे, चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम होगा वर्ड यानी कि शब्द। अगले चैप्टर पर हम लोग चलेंगे और अगला चैप्टर हमारा होगा फ्रेज, जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्यांश का निर्माण किया जाता है। ये वाक्यांश क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य में आकर कैसे कार्य करते हैं, ये सभी जानकारी हम अपने चैप्टर 6 यानी कि फ्रेज यानी कि वाक्यांश के अंतर्गत करेंगे। यदि आप आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको एपिसोड 6 देखना होगा बेटा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से हम अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 में आगे की जानकारी को हासिल करेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहिएगा और आगे का जो एपिसोड 6 है उसे अवश्य देखिएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में। बाय बच्चों, बाय दोस्तों।